तो फैमिली कैसे है आप लोग? सॉरी गाइस, मैं कुछ 2 दिन पोस्ट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सर्टन अर्जेंट सिचुएशंस हो गए थे घर में, सो आई कुड नॉट पोस्ट। तो चलिए गाइस, हम लोग आज की रीडिंग पे ध्यान देते हैं। आज मेरा कलर जो है ऑरेंज दिख रहा है और अगले पूरा वीक हम लोग सेक्रल चक्रा पे फोकस करने वाले हैं, तो इसी वजह से ऑरेंज जो है इसकी रीडिंग कलर रहने वाला है। सेक्रल चक्रा का कलर है ऑरेंज और उसको हील करने के लिए क्रिस्टल्स है कार्नेलियन और ऑरेंज कैल्साइट और बहुत सारे क्रिस्टल्स है गाइस। सेक्रल चक्र की जब हम बात करते हैं तो हम जो एनर्जी है तो हम वो फिज़िकल एनर्जी की बात करते हैं, सेक्सुअल एनर्जी की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो अगर हम लोग ने अपने आप को ब्लॉक करके रखा है, हमारे एक्सप्रेशंस को ब्लॉक करके रखा है, तो बेसिकली हमारा सेक्रल चक्रा ब्लॉक हुआ पड़ा हुआ है। और जो है डिवाइन फेमिनेंस के नीचे के 3 चक्रास ब्लॉक ही होते हैं, तो सेक्रल चक्रा उनमें से एक है जो आपका ब्लॉक हो सकता है बिकॉज आप लोगों को एक्सप्रेशन नहीं मिला और आप लोगों को एक्सप्रेशन करने नहीं दिया गया। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आप लोगों को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करने दिया तो सेक्रल चक्रा को ब्लॉक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उनको खोल कैसे सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा तरीके हैं। अगर आप जो आपको आर्टिस्ट और बेसिकली सेक्रल चक्रा आर्ट, क्रिएटिविटी और सेक्स से भी रिलेटेड होता है, तो आर्ट और क्रिएटिविटी जैसे कि मैंने कहा, तो वो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है अपना चक्रा अनब्लॉक करने के लिए। एक्सप्रेस करें अपने आप को पोइट्री के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, डांसिंग के थ्रू, जैसे भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो उसी से आपका जो है सेक्रल चक्रा खुल सकता है। तो चलिए गाइस, हम लोग अभी आगे बात करेंगे आज के रीडिंग की। तो आज की रीडिंग रहने वाली है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ट्रिगरिंग, क्योंकि मैं करने वाली हूँ कि क्या हमारे पर्सन हमारी तरफ कोई एक्शन लेंगे, अगर लेंगे तो क्या होगा। डायरेक्टली उनसे पूछेंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट आंसर्स लाने की कोशिश करेंगे। गाइस, मुझे शुगर कोटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फेक और फॉल्स उम्मीदें मैं किसी को नहीं देना चाहती। तो चलिए गाइस, आज हम लोग जो है स्ट्रेट देखते हैं कि हमारे पर्सन हमारी तरफ क्या एक्शन लेने वाले। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, जितना रेजोनेट करता है उतना ही सुनिए, बाकी का अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे इस बात पर कि ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो कोई और रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी, वो देख के अपने आप को खुश कर लीजिए। बाकी का गाइस, ये जब रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी तभी आपको दिखाई जाएगी। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपकी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं। सीधा डायरेक्ट पूछेंगे कि अगर क्या आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं। गाइज, अगर हम इमीडिएट एक्शन की बात करें तो इमीडिएट कोई भी एक्शन हम लोग अपने पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दिए हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर इज इन रिवर्स, तो जो मेन कार्ड है जो हम लोग एक दूसरे को जानना पहचानना, जो केमिस्ट्री का कार्ड है, वो रिवर्स में है। तो आई डोंट थिंक हम लोग वर्थ वेटिंग फॉर आया है, तो अगर उनके से एक्शन चाहिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। अगेन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड डिसेप्शन इन रिवर्स है, शायद आपकी पर्सन आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दे रहे हैं बट एक्शन लेने के मूड में वो बिल्कुल भी नहीं है। कीप एन ओपन माइंड गाइस, फ्यूचर में शायद आपकी पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, बट एक्शन जो भी होगा वो प्लेफुलनेस की तरह होगा, लाइट एनर्जी वाला एक्शन रहने वाला है। जो मैं नेक्स्ट कार्ड यूज़ करने वाली हूँ कि क्या एक्शन लेने वाले हैं वो आपकी तरफ, क्योंकि लाइट हार्टेड एनर्जी भी है, तो देखते हैं कि क्या एक्शन लेने वाले हैं ये गाइस आपके पर्सन आपकी तरफ। एंजल्स से भी पूछेंगे, एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं कि मैं उनको भी ले लूँ, थोड़े से और भी डेक से क्लैरिफायर्स भी उठाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। देखते हैं कि क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन आपकी तरफ विद द हेल्प ऑफ राइडर वेट। फिलहाल एस ऑफ पेंटिकल्स गाइज इन रिवर्स है,
और मैजिशियन है, जब वो एक्शन लेंगे जो वो बिल्कुल भी अभी इसमें नहीं है, तो उनको लगेगा कि दे विल बी वेल पावर्ड. तो ये पर्सन जो है अगर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, तो बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ पेंटिकल्स. तो वो इस रिलेशनशिप की तरफ काम करने की कोशिश करेंगे, होल हार्टेड अपना एफर्ट्स डालेंगे, जो भी है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे जब वो मैजिशियन मोड में आएंगे. और फिलहाल तो गाइज आपके पर्सन एट ऑफ स्वॉर्ड्स मोड में है. अगर आप लोग इम्पेशेंट हो रहे हो कि कुछ ऑफर मिल जाए, तो गाइज पेशेंस इन रिवर्स है, और जो है आप लोगों को वेट करना पड़ेगा. ये पर्सन इम्पेशेंट हो रहे हैं एक्शन लेने के लिए, बट अभी भी रेडी नहीं है. लेकिन जब ये पर्सन रेडी फील करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, और क्या करने वाले, जो भी कर सकते हैं, जो भी उनके हाथ में होगा, ये पर्सन वो करेंगे इस रिलेशनशिप को के ऊपर वर्क करवाने के लिए. जो भी कर सकते हैं, आपके सिचुएशन जैसा भी रहे, ये पर्सन ज़रूर करेंगे. दिस पर्सन जो है आपके, वो बिल्कुल भी टक फील कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो स्केर्ड है या कुछ भी है, उनको लग रहा है कि वो टाइड अप है, ऑल टाइड अप वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे. और वो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कोई भी एक्शन फिलहाल नहीं ले सकते. लेकिन जो है गाइस, मैं इसके ऊपर एक टाइम लाइन निकालने की कोशिश करूँगी कि कब ये पर्सन जो है रेडी होंगे आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, जो भी एक्शन लेना चाहते हैं. फिलहाल ये जगलिंग कर रहे हैं अपने वर्क को आपके साथ, या किसी भी चीज़ को आपके साथ. लेकिन मुझे यहाँ पे जो दो शिप्स दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं 2 months. तो 2 months में ये पर्सन शायद इस सिचुएशन में आ जाए कि ये मतलब जो है कुछ एक्शन ले पाए आपकी तरफ. फिलहाल ये अपने आपकी अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल जो है ये पर्सन जो है इनके पास, वही पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल ये पर्सन जो है जस्टिस सोचने की कोशिश कर रहे हैं. ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपसेट है. ये पर्सन सोच रहे हैं कि जस्टिस क्या होगा, अगर इस सिचुएशन को जस्टिस देना है, अगर आपके सिचुएशन को जस्टिस देना है, तो जस्टिस क्या हो सकता है, वही ये पर्सन सोच रहे हैं. और लेकिन अपने बातें जो है, अपनी चीज़ें जो है, अपने चेस्ट के पास ही रख रहे हैं. पर्सन बोल नहीं रहे आपके साथ, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कुछ नहीं बताएंगे आपको. ये पर्सन वो सोचेंगे कि एक्चुअल में क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, क्या जस्टिस हो सकता है, वही वो आपको ऑफर करने की कोशिश करेंगे जो उनको जस्टिस लगेगा. तो गाइज मैं आपको ये कह दूँ कि आपको जो सही लगे आप वो कीजिए, और उनको जो सही लगेगा वो वही करेंगे. नेक्स्ट देखेंगे गाइज एंजल्स क्या कहते हैं इस चीज़ के ऊपर. आज गाइज मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक रीडिंग कर रही हूँ, आई नो थोड़ा डायरेक्ट रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर होंगे. ट्रिगर वार्निंग मैं पहले ही लगा दूंगी. टू मंथ्स में ये कुछ जस्टिस देने की कोशिश करेंगे ये पर्सन आपको, लेकिन कहे देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए. एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, क्या सजेशन देते हैं इस चीज़ के ऊपर, कि आपको क्या करना चाहिए. रिकवरी, ठीक है गाइस, तो आपको रिकवरी करने के लिए बोला जा रहा है, खुद का जो है. देखिए आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, खुद की एनर्जी वापस लाने के लिए बोला जा रहा है, खुद को वापस हील करने के लिए बोला जा रहा है. अगर आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ भी ऐसा हुआ है जिसे आपको रिकवरी की ज़रूरत है, तो वो रिकवर करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखते हैं गाइस, ये पर्सन जो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन, उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है आपके करंट सिचुएशन को लेकर के. तो डायरेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन अनमास्क से देखेंगे कि उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है आपके सिचुएशन को लेकर के. गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं क्रिस्टल्स सेल करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स भी देती हूँ, रीडिंग्स करती हूँ पर्सनल. अगर आप मुझसे रीडिंग रेकी हीलिंग्स करती हूँ, क्रिस्टल थेरेपी करती हूँ, चार्जेस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आप लोग करना चाहते हो, नंबर भी आपको मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हम रीडिंग कर सकते हैं. गाइस इस संडे को जो है मैं आप लोग के लिए लाइव Q&A ज़रूर रखूँगी, और 1 घंटा लाइव Q&A में आप अपने क्वेश्चन फ्री पूछ सकते हो.
बाकी अगर आप लोग वेट नहीं करना चाहते और आपको इमरजेंसी है और आप लोग को रीडिंग चाहिए तो ज़रूर आइएगा, पर्सनल रीडिंग बुक कीजिएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं इन पर्सन के दिमाग में एक्शन लेने के बारे में क्या चल रहा है, ये एक्शन लेने के बारे में क्या सोच रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। समहाउ आई जस्ट डोंट फील इट राइट टू कीप यू वेटिंग, तो इनके दिमाग में यही चल रहा है एक्शन को लेकर के। हाउ कुड यू बी हैप्पी विद द ड्रीम ऑफ यू हैविंग यू इन माई लाइफ, हैविंग मी इन योर लाइफ आई मीन। आई एम अ कम्प्लीट लूजर, विल यू स्टिल टेक मी, तो उनका अभी भी गाड़ी यहीं पे स्टक है कि वो लूज़र की तरह फील कर रहे हैं, वो आपको रुका के नहीं रखना चाहते हैं, वो आपके वो हैरान परेशान है कि आप क्यों उनके बारे में अभी भी ड्रीम कर रहे हो। गाइस मैं थोड़े कार्ड्स फिर से लूँगी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि फिर से कार्ड्स लेना चाहिए। यू आर अ विश कम ट्रू बट एट अ रॉन्ग टाइम, तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप एक ड्रीम कम ट्रू हो इनके लाइफ में बट एक रॉन्ग टाइम पे। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर माई वीकनेस, आई एम नॉट अ बैड पर्सन, तो ये एक्शन लेने के बारे में गाइज अभी बिल्कुल भी मूड में नहीं है आपके पर्सन, लेकिन अगर आप कोई एक्शन अपने लिए लेना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आई नो आई कांट एक्सपेक्ट यू टू फंक्शन माई वे, आई स्टिल ट्राई। तो ये पर्सन जो है अभी भी यही सोच रहे हैं कि आप जो है उनके जो चाहते हैं वो वैसे आप नहीं चलोगे, अगर वो चाहते फ्रेंड्स बन के रहे, कमिटमेंट ना हो, तो ये सभी अभी भी रेडी नहीं है। आई एम सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग यू एवरी टाइम, माई इनसिक्योरिटीज़ ओवर पावर मी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि वो आपको हर बार डिसअपॉइंट करते हैं और ज़रूर करते हैं, बिकॉज उनको लगता है, बिल्कुल सही लगता है कि वो हमको डिसअपॉइंट करते हैं हर बार। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल ये एक्शन लेने के बारे में ऐसा फील कर रहे हैं, इनके दिमाग में यही चल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप उनके टर्म्स में नहीं चलोगे और वो आपको वेट करके नहीं रखना चाहते, तो यही सब अभी भी यही कैसेट बज रहा है उनके दिमाग में। तो आई गेस आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है, फोकस ऑन योर लाइफ गाइज, आप अपने सेक्रल चक्रा को हील करने पे फोकस कीजिए, आई सब ठीक हो जाएगा गाइज। जब मैं पर्सनल हीलिंग्स करती हूँ तो मैं हमेशा देखती हूँ जब लोग अपने हीलिंग्स पे, अपने आप पे फोकस करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा टिप है। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी लाइफ बेटर करने के लिए काम करोगे, अपने ऊपर हीलिंग करोगे, उतनी आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी और आपको पॉजिटिव सरप्राइजेस जो है लाइफ में मिलते चले जाएंगे। प्लस गाइज मुझे एक अर्जेंट डाउनलोड आ रहा है जो मैं अभी यही बताऊंगी आप लोगों को, 4th अप्रैल तक काफ़ी ट्रिगरिंग रहने वाली है ये जर्नी, आपके बहुत सारे ट्रिगर्स को निकाला जाएगा, सरफेस पे लाया जाएगा, बिकॉज 4th अप्रैल को एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलने वाला है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जैसे ही मुझे मिलती है मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तक मुझे यही पता है कि 4th अप्रैल तक काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस रहने वाले हैं और 4th अप्रैल तक जो है बहुत कुछ आपकी लाइफ में शॉक्स लगने वाले हैं, सोल शॉक लगने वाले हैं, आपको ट्रिगर किया जाने वाला है, बड़े झटके लगने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में। सो बी प्रिपेयर्ड गाइस, आप लोगों को शायद चीज़ें अच्छी ना लगे जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो, आप लोगों को जो है काफ़ी सारी चीज़ें ना पसंद आए, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें हर्ट कर सकती है, आप लोग काफ़ी ट्रिगर हो सकते हो, आप लोग हेस्टी डिसीशंस ले सकते हो, तो 4th अप्रैल तक कोई भी डिसीशंस ना ले, रीडिंग्स देखे पर अपने ऊपर ही ध्यान दे, ट्रिगर ज़्यादा ना होने की कोशिश करे, अगर लेकिन याद रखे अगर कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है वो आपको हील कर रही है, वो आपके अच्छे के लिए है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर दबी हुई थी जिसको बाहर आना ज़रूरी था, जिसका रिएक्शन ज़रूरी था, इसलिए आपको ट्रिगर किया जा रहा है। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।